जैसे सुख और खुशी जीवन का अभिन्न हिस्सा है, वैसे ही दुख भी जीवन का हिस्सा है। लेकिन दुखों से घिरे रहने वाले इंसान को ये जीवन नरक लगने लगता है। उसे लगता है कि ये धरती ही नरक है। किसी का बेटा उसकी बात नहीं मानता, किसी का पिता अपने बेटे की बात नहीं सुनता, किसी के प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, और ऐसे ही तमाम तरह के दुखों से भरी हुई ये जिंदगी हमें नरक लगने लगती है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को इस सिक्के के दोनों पहलू सुख और दुख को समझाने की बहुत कोशिश की। तो हम भी एक ऐसी ही कहानी के माध्यम से आपको इस सिक्के के दोनों पहलू समझाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह मैं अपनी कहानियों के माध्यम से दुनिया में मोटिवेशन फैलाता हूँ, वैसे ही आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है। लेने और देने का ये सिलसिला जारी रहे, इसीलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बच्चे को देखा जो अपने घर के आंगन में खेल रहा था और उसकी माँ कुछ काम कर रही थी। तभी उस बच्चे की माँ ने बुद्ध को देखा और उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, आप रुकिए बुद्ध, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। बुद्ध ने कहा, मेरा पात्र भरा हुआ है, मैं उतना ही लेता हूँ जितना मेरे पात्र में आता है, इसलिए आज मैं कुछ नहीं ले सकता। मैं कल फिर आऊँगा, तुम मुझे कल दे देना। बुद्ध ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। अगले दिन बुद्ध फिर उस स्त्री के पास आए। स्त्री बुद्ध को देखकर बेहद खुश हो गई और उन्हें एक पात्र में चावल भर कर देती है। बुद्ध ये स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध ने उस स्त्री को कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, इसे चावल के बीच दबा कर रख देना और अपने बच्चे को इसका रस निकाल कर पिलाना, इस तरह वो स्वस्थ बना रहेगा। स्त्री ने उस जड़ी बूटी को रख लिया और बुद्ध उसके बाद वहां से चले गए। एक महीने बाद बुद्ध श्रावस्ती में संसार में व्याप्त प्राणियों की पीड़ा पर उपदेश दे रहे थे। तभी उस सभा में एक स्त्री अपने बच्चे को अपने गले से लगाए बुद्ध के पास पहुंची और बच्चे को बुद्ध के चरणों में रखकर बोली, हे बुद्ध, मौत क्या होती है, उसकी वेदना क्या होती है, ये आप मुझसे पूछो, मैं एक विधवा हूँ, मेरा पुत्र भी मुझे अब छोड़कर चला गया है, वो ना अब रोता है ना हंसता है, हे बुद्ध, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना। बुद्ध ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उस स्त्री से कहा, तुम्हारा पुत्र बहुत ही सुंदर है, मैंने तुम्हें कुछ जड़ी बूटियाँ दी थी, क्या तुमने उसे नहीं पिलाया। वो स्त्री बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, हे बुद्ध, मुझे माफ कर दें, वो जड़ी बूटियाँ मैंने फेंक दी थी, मैं आप पर विश्वास नहीं कर पाई, मुझे लगा कहीं वो जड़ी बूटियाँ मेरे पुत्र को हानि ना पहुँचा दे, गांव के कुछ लोग भी आपको पाखंडी और ढोंगी बताते थे। बुद्ध ने उस स्त्री को कहा कि क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है। स्त्री बोली, हाँ बुद्ध, मैं मेरे बेटे को ठीक करने के लिए हर जगह गई, तब किसी ने मुझसे कहा कि आप बुद्ध के पास जाओ, वो सबकी समस्या को दूर करते हैं, तुम्हारी समस्या को भी जरूर दूर कर देंगे, हे बुद्ध, आप मेरे बेटे को कृपया करके जीवित कर दें। बुद्ध ने स्त्री से कहा, जैसे जीवन सत्य है वैसे ही मृत्यु भी सत्य है, उसे स्वीकार करना चाहिए। स्त्री बोली, हे बुद्ध, आप मेरी वेदना नहीं समझ रहे हैं, मैं एक विधवा हूँ, मेरे जीने का इकलौता सहारा मेरा पुत्र था और अब वो भी मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, मुझे ज्ञान के बड़े उपदेश नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा पुत्र चाहिए, क्या आप उसे जीवित नहीं कर सकते, क्या आप मुझ पर रहम नहीं करेंगे। बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें जाकर किसी एक घर से मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाने हैं। वो स्त्री कहती है, ठीक है बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूँ।
बुद्ध ने कहा, रुको, तुम्हें ये सरसों के दाने किसी ऐसे घर से लाने हैं जहां आज तक कोई मृत्यु ना हुई हो। वो स्त्री आंसू पोंछ कर बोलती है, हे बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो अपने बेटे को लेकर दौड़ती हुई गांव की तरफ जाती है। वहां उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। गृहस्वामी बाहर आया। उस स्त्री ने उस गृहस्वामी से एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने मांगे। उस स्वामी ने स्त्री को सरसों के दाने दे दिए। वो खुशी खुशी दाना लेकर जा रही थी कि तभी उसे याद आया कि बुद्ध ने ऐसे घर से दाने लाने के लिए कहा था जहां किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। स्त्री ने गृहस्वामी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? स्वामी ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। स्त्री ने दाने स्वामी को वापस कर किसी दूसरे घर पर जाने का फैसला किया। दूसरे घर में जाकर उस स्त्री ने फिर से सरसों के दाने मांगे और पूछा कि क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? आदमी ने कहा कि हाँ, आज से 10 साल पहले मेरा पूरा परिवार बाढ़ में बह गया था। केवल मैं अकेला जीवित रह गया और अब मैं अकेले अपनी जिंदगी का बोझ ढो रहा हूँ। उस स्त्री ने सोचा कि ऐसा घर कहाँ पे मिलेगा जहाँ पे किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। लेकिन फिर भी उसने कोशिश जारी रखी, हार नहीं मानी। वो पूरे दिन सुबह से शाम तक पूरे गांव में घूमती रही, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो स्त्री रोते रोते अपने बेटे को गले से लगाकर बुद्ध के पास जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक शमशान घाट दिखा। उसने वहां जाकर अपने बेटे के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वो गड्ढा खोदती जा रही थी और रोती जा रही थी। उसके बाद उसने काफी देर तक अपने बेटे को निहारा और उसका माथा चूमते हुए उसने फिर उसी गड्ढे में अपने बेटे को दफन कर दिया और अपने आंसू पोंछ कर बुद्ध के पास आ गई। बुद्ध उसी सभा में स्त्री का इंतजार कर रहे थे। वो बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बस रोती जा रही थी। जिसे जीवन मिला है उसे मृत्यु भी अवश्य मिलेगी। चाहे राजा हो या रंक, युवा हो या कोई वृद्ध, मृत्यु सभी को आनी है। वो स्त्री बुद्ध से बोली, हे बुद्ध, आप सच कहते हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मृत्यु का दर्द केवल मेरे अंदर ही है, लेकिन फिर मैंने देखा कि दुनिया में लोग मुझसे भी ज़्यादा पीड़ा और दुख का अनुभव कर रहे हैं। इस पर बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, वो तुम्हारे आसपास ही है, उसे महसूस करो। ये परम सत्य है, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ साथ चलता रहेगा और उसका कारण है मनुष्य का खुद के साथ किसी को बांध लेना। और जब तक वो रहेगा तब तक हमें दुख होता रहेगा, और जब तक ये मोह रहेगा तब तक हमें दुख होता रहेगा। जब कोई वस्तु हमारे पास रहती है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो हमसे दूर चली जाती है उसके ना होने का एहसास हमारे अंदर गहरी पीड़ा बना देता है और हम दुखी हो जाते हैं। हम जीवन को होश में नहीं जीते, इसलिए मृत्यु होने पर हम रोते हैं, छटपटाते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं हैं। वो स्त्री बुद्ध से कहती है, हे बुद्ध, ये तो सभी को पता है, लेकिन इससे मुक्ति कैसे पाएं? बुद्ध ने कहा, मुक्ति के लिए भी विवेक जगाना आवश्यक है। शांत हुए बिना विवेक नहीं जाग सकता। जब तुम शांत होकर सोचोगी तब तुम्हें लगेगा कि मृत्यु परम सत्य है। तब तुम्हें लगेगा जैसे जन्म होता है वैसे ही मृत्यु भी जीवन का परम सत्य है। सुख और दुख दोनों को होश में देखने के बाद तुम्हें अनुभव होगा कि ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जब तुम्हारा मन इस चेतना से भर जाएगा तब तुम ये जान और समझ पाओगी कि जन्म और मृत्यु मिलन और वियोग नहीं है, एक ही होते हैं। वो स्त्री बुद्ध से बोली, हे बुद्ध,
आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। मुझे अब तक मेरे पुत्र के जाने के बाद अपना जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन अब मुझे जीवन का मोल समझ आ गया है। जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है, अब मैं उसी पर चलूंगी। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों और मित्रजनों के साथ साझा जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए ध्यान करते रहिए।